नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। इसके लिए दोनों टीमें तैयारियां कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और साथ ही आप इसे लाइव किस चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल से पहले ही न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ा झटका क्या है? इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरने वाले हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया चैंपियन बने तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है जो कि खेला जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। वैसे तो दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। दोनों टीमों के पास कई ऐसे शानदार खिलाड़ी मौजूद है जो इस मुकाबले में अपनी अपनी टीम को चैंपियन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस फाइनल मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम ने कमाल करके दिखाया है। न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड में इंग्लैंड को 1-0 से टेस्ट सीरीज में पराजित कर दिया है। दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 22 साल बाद इंग्लैंड को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हराया है। और यहाँ पर टीम इंडिया को चेतावनी दी है कि वो इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को भी हरा सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो इससे पहले 1999 में 2-1 से इंग्लैंड को उसी के घर में हराया था और इसके बाद अब 22 साल बाद ये इतिहास रचने में कामयाब हुई है न्यूजीलैंड की टीम। वैसे देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम के कई बल्लेबाज व गेंदबाज एक साथ काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं जो कि यहाँ पर टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। हालांकि केन विलियमसन दूसरे टेस्ट मुकाबले में चोट के चलते बाहर थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यूजीलैंड ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को हराकर इतिहास रचा है। तो एक बार फिर यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भी टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकती है न्यूजीलैंड की टीम। इसके अलावा दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका दिया है। जहाँ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, तो वहीं पर इस सीरीज जीत के साथ ही अब न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 टीम बन चुकी है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की। तो वहीं पर टीम इंडिया नंबर 2 पर खिसक चुकी है, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि पर इस सीरीज से पहले तक टीम इंडिया जहां नंबर 1 टीम थी, अब नंबर 2 टीम बन चुकी है। और अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल में जब दोनों टीमें उतरेगी तो वहां पर न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम के तौर पर उतरेगी तो टीम इंडिया नंबर 2 टीम के तौर पर। लेकिन यहां पर यह मुकाबला तय करेगा कि आखिरकार टेस्ट की कौन सी टीम नंबर 1 है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ही तय करेगा कि टेस्ट की सबसे खतरनाक टीम कौन सी है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के बारे में कि आखिरकार पिच किस तरह की रहने वाली है। तो पिच क्यूरेटर ने कहा कि पिच में पेस और बाउंस दोनों होगा, गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में जो मुकाबला होने वाला है उसके लिए यहाँ पर खुद पिच क्यूरेटर ने ही यहाँ पर इसका खुलासा किया है। उनके मुताबिक पिच में पेस और उछाल रहेगा जिसके क्रिकेट फैंस को गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ली ने ESPN क्रिकेटपो को कहा कि दोनों टीमों के लिए यह न्यूट्रल वेन्यू है, इस कारण ICC के निर्देश अनुसार ऐसी पिच तैयार की जा रही जो दोनों टीमों के लिए बराबर हो। हम सभी दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला भी देखना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी पिच चाहता हूं जिस पर कैरी, बाउंस और तेजी हो। वहीं पर हम आपको बता दें कि यहां पर फाइनल के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, तेज धूप निकल सकती है। हालांकि शुरुआती 2 दिन यहां पर बारिश होने की संभावना भी रहेगी। वहीं पर पिच एक तरफा नहीं होगी और साथ ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। वहीं पर अब तक इस मैदान पर हम बात करें तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, क्योंकि अब तक हुए यहाँ पर 6 टेस्ट मुकाबलों में से यहां पर तेज गेंदबाजों ने जहां 120 विकेट लिए हैं तो वहीं पर स्पिन गेंदबाजों ने इस दौरान 41 विकेट लिए हैं। तो वहीं पर बल्लेबाजों ने 5,234 रन बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं यहां पर औसत स्कोर की पहले बैटिंग करने वाली टीम की, तो यहां पर 337 रन है जबकि दूसरी पारी में औसत स्कोर 280 रन है। वहीं पर तीसरी पारी में ये औसत स्कोर 262 हो जाता है तो यहां पर चौथी पारी में 187 रन हो जाता है। वहीं पर यहां पर अब तक 6 टेस्ट मुकाबलों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम को 1 मुकाबले में जीत मिली है जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं पर इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड ने बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ अगस्त 2020 में 583 रन 8 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं पर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर 178 रन है
10 विकेट भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई 2014 में बनाया था। यानी कि टीम इंडिया के लिए एक और यहाँ पर खतरा ये भी है कि यहाँ पर सबसे लो स्कोर इसी टीम ने बनाया है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इस मुकाबले की, आखिरकार ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा। तो ये मुकाबला 18 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर के 3:30 पर यह मुकाबला शुरू होगा। आप इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर, यानी कि हॉटस्टार वीआईपी पर भी आप इसे लाइव देख सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इसे जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए कि आखिरकार क्या रहा, तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने फिलहाल प्रैक्टिस मैच में कमाल करके दिखाया है, जहां पर ऋषभ पंत ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई। इसके अलावा यहां पर गेंदबाजों ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया, यानी कि टीम इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाज इस समय शानदार फॉर्म में लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने जा रही है और कौन कौन से खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से इस फाइनल मुकाबले में हमें ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं रोहित शर्मा और उनके साथ होंगे शुभमन गिल। दोनों टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जहां शुभमन गिल की बात करें तो युवा बल्लेबाज है जिनके पास काफ़ी शानदार यहां पर टैलेंट मौजूद है जो कमाल कर सकते हैं। तो वहीं पर रोहित शर्मा लगातार टीम इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। तो वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा उतरने वाले हैं। टीम इंडिया के सबसे अहम बल्लेबाज होने वाले हैं चेतेश्वर पुजारा और इनसे बड़ी उम्मीदें रहेगी टीम इंडिया को। तो वहीं पर नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली उतरने वाले हैं और इस बड़े मुकाबले में विराट कोहली से हमें बड़ी पारी की उम्मीद होगी और उम्मीद करते हैं कि वो इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 5 पर टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे उतरने वाले हैं जिनका परफॉर्मेंस विदेश में काफ़ी शानदार रहता है और इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा रोल निभा सकते हैं अजिंक्य रहाणे। तो वहीं पर नंबर 6 पर ऋषभ पंत उतरने वाले हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत ने पिछले कुछ समय से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर ये कमाल करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हमें खेलते हुए दिखेंगे जिनकी बल्लेबाजी ने पिछले कुछ समय से काफ़ी कुछ किया टीम इंडिया के लिए और एक बार फिर इनसे बल्ले और गेंद दोनों से उम्मीद रहेगी। तो इसके बाद नंबर 8 पर एक और ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन उतरने वाले हैं, यानी कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी की भूमिका निभाएंगे, साथ ही दोनों ऑलराउंडर यहाँ पर बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से 3 तेज गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया तीनों अनुभवी तेज गेंदबाजों के साथ इस मुकाबले में उतरना चाहेगी, यानी कि ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के साथ। यानी कि टीम इंडिया के 3 तेज गेंदबाजों की तिकड़ी रहने वाली है तो 2 स्पिन गेंदबाज भी रहेंगे जो कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? क्या आप चाहते कि किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाए? क्या मोहम्मद सिराज की जगह इस टीम में बनती है? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।